था. तो इसी पर बात करते हैं. हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, समित चौहान साहब. चौहान साहब स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान साहब. बताइए क्या व्यू है ग्रीव कॉटन पर आपका? मॉर्निंग. ग्रीव्स कॉटन की अगर बात करें तो क्लियरली ये स्टॉक रिसेंटली कंसोलिडेट कर रहा था, बट कंसोलिडेट यू नो विद पॉजिटिव बायस कर रहा था. और जो रिसेंटली हमने मिड कैप्स में डिस्ट्रक्शन देखा था, ये स्टॉक में इतना कुछ इसका दबाव नहीं दिखा. इनफैक्ट ये आउट परफॉर्म कर रहा था तभी, और अभी वापस ये स्टॉक ने ऊपर की तरफ उसकी चाल चालू की है. आज ये 7-8% ऊपर ही खुला हुआ है. फ्रेश वाइन बोलना डिफिकल्ट है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, बट जिन्होंने लिया हुआ है वो डेफिनेटली बने रह सकते हैं. उसके जो ऑल टाइम हाईज है वो बहुत जल्दी रिटेस्ट हो सकते. तो पहले 170-172 और 172 के ऊपर फिर ये स्टॉक 185-188 तक जा सकता है. चलिए तो अब 171-172 के पर टारगेट्स हैं. यहां पर जाएगा तो और अच्छी रैली देखने को मिलेगी. ये वो स्टॉक है जिस पर नजर साफ तौर पर रहने वाली है. लेकिन समित ये बताइए, आज एक्सपायरी किन लेवल्स पर होने वाली है और अगली सीरीज के लिए आउटलुक भी दीजिए. देखिए हम तो ऑनेस्टली कल तक अगर बात करें तो हमें लग रहा था कि नो 11750 के आसपास हो सकती है, क्योंकि 11700 के पुट्स में हमने नो हाईएस्ट हुआ है कॉन्सेंट्रेशन देखा था. बट 11800 के ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग थी. बट कल जो हमने लास्ट हाफ एन आवर में जो एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है उसके चलते क्लियरली 11700 में अनवाइंडिंग देखी थी और 11750 के कॉल्स में हमने अच्छी राइटिंग देखी थी. तो उसके चलते हम थोड़ा बहुत दबाव देख रहे हैं. तो ये आज के लिए थोड़ा बहुत दबाव हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड मूव हो सकती है, बट डायरेक्शनल व्यू अभी भी हमारा पॉजिटिव है. यहाँ पे सेकंड हाफ थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 11700 के पुट्स में अभी यू नो सुबह से हमने थोड़ा बहुत कॉल्स में हमने सुबह से थोड़ा बहुत राइटिंग देखा हुआ है. बट अगर यू नो 12-12:30 के बाद अगर उनमें वापस हम कुछ अनवाइंडिंग दिखते हैं तो हम ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं. हमारा ओवरऑल व्यू अभी भी पॉजिटिव रहेगा. अगर आप 1-2 वीक की बात करें तो 11900 तक निपटी जाने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है. तो अगर आज के लिए 1-2 दिन के लिए स्ट्रैटेजी रखनी तो हम अभी भी पॉजिटिव बायस ही ट्रेड करेंगे 11640 के स्टॉप लॉस से और इमीडिएटली 11750 का टारगेट रहेगा. ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन वो स्टॉक आइडिया जो आप शेयर करना चाहें. देखिए पेट्रोनेट काफी अच्छा लग रहा है, कंसोलिडेशन मोड में था. रिसेंटली हमने ये स्टॉक में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखा और आज जो उसका एक मेजर हर्डल था 230-235 के आसपास, यहां से इसने डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया. सो एज अ डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट्स को भी हमने ये रिकमेंड किया हुआ है. पोजिशनल टारगेट इसका 260 का रहेगा. 228 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है. अपार्ट फ्रॉम दिस मेटल एज अ स्पेस लास्ट 3-4 दिनों से क्लियरली काफी ज्यादा बस कर रहा है. टाटा स्टील 3 दिनों में अच्छा एक रिकवरी दिया है. तो टाटा स्टील यहाँ से पॉइज्ड है. रिसेंट मूव 618 का टारगेट रहेगा, 590 का स्टॉप लॉस होगा. चलिए तो नोट कर लीजिए टाटा स्टील. देखिए बाद जब सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला एक सेक्टर तो एफएमसीजी है और हम आपके अब बता ही रहे हैं सुबह से बाजार खुलने के तुरंत बाद कि ये सेक्टर भागेगा. दूसरा सेक्टर जो भाग रहा है वो है दरअसल मेटल पैक और इसको भी फायदा मिलता है दरअसल कमजोर रुपए से. और यहां पर देखिए टाटा स्टील बढ़िया फैंटास्टिक कंपनी है जो और तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार है. पेट्रोनेट भी खबरों के दम पर आज ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स के दम पर भागता हुआ दिख रहा है. समित हमारे साथ बने, समित चौहान हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है. इस बीच एक अच्छी खबर, मिड कैप इंडेक्स लाल निशान से हरे निशान में आ गई है. जी हां, तेजी देखने को मिल रही है निचले स्तरों से. बायोनडेक्स का मार्केट तो है ही. आप देखिए कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं. यूनाइटेड स्पिरिट्स अब 2.25% भागता हुआ. यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज, आईटीसी, मैरिको, इनमें से कोई स्टॉक अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो बताइएगा. सर कहां पर आपकी नजर पड़ी है? आईटीसी ने आज 52-वीक हाई लगाया है. समित क्या पसंद है? ये क्लियरली आईटीसी अच्छा है, मेटाबल अच्छा है. आईटीसी की अगर बात करें तो जब से ये 280-285 का जो इसका जो रेंज था वो उसने ब्रेक किया, तब से इसका जो थोड़ा ट्रेजेक्टरी है वो कंटिन्यू है. यहां से हम ग्रेजुअल इसका मूव 325-330 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बट आपको अगर यहां पे कोई ट्रेड लेना है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स काफी अच्छा लग रहा है. जो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 640 के आसपास वो आज डिसाइसिवली ब्रेक किया है. आज गैस सेगमेंट में वॉल्यूम अच्छे खासे बढ़ चुके हैं तो 680-685 के लेवल्स मैकडावल में दिख सकते हैं. तो इसमें खरीदारी के मौके अभी भी दिख सकते हैं 640 के स्टॉप लॉस के साथ. बिल्कुल, तो आईटीसी ये है वो स्टॉक का जिस पर नजर आपकी साफ तौर पर होनी चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया समित समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए. वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन एक्शन तो अभी और होना है बाजार में.